नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ की थाना जैनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बनकर पुलिया के पास सरकारी बस व प्राइवेट बस में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 25 से 30 लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक जैनपुर, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर, क्षेत्राधिकारी सकड़ी व पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत व बचाव कार्य में लग गए। सूचना के बाद आईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार, डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य समेत अन्य अधिकारीगण मौके पर तत्काल पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस व प्राइवेट वाहनों से अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए पहले जिलाधिकारी की बात को आपको सुनाएंगे, फिर जो गाड़ी में सवार थे, बस में सवार थे और कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी बात को सुनवाते हैं। क्या घटनाक्रम रहा? आज प्रातः लगभग 10 बजे थाना जैनपुर क्षेत्र में बनकर चौटी के पास एक रोडवेज बस जौनपुर की थी, डिपो की, और एक प्राइवेट बस के बीच में टक्कर हुई है। उसमें लगभग 30 लोग घायल हैं, सभी का को वहाँ से तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ जो हमारा मंडलीय चिकित्सालय है वहाँ लाया गया है और यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। 2-3 लोग सीरियस हैं, उनको यहाँ पर प्राथमिक इलाज और स्टेबल करने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। अभी कोई और इसमें कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। सर, और उनके साथ क्या की जा रही है इलाज के अलावा? अब इलाज के सर्वप्रथम सबसे पहले इलाज है, इलाज के उपरांत जो भी अनुमन्य सहायता है वो प्राप्त। सर, राहत व बचाव कार्य के लिए जिला अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जिला अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों को पहले से बता दिया गया था, वो लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट किया गया है, वो भी तैयार हैं, और जो भी यहाँ पर इनको आवश्यकता है मेडिकल सपोर्ट की वो सब दी जा रही है। ठीक। मरने वालों की संख्या? नहीं, अभी कोई डेथ नहीं है। 3 लोग सीरियस हैं पर वो भी बात कर रहे हैं, वो बातचीत। सरवन यादव, ये हमारी साली लगती हैं, घोसी से आ रही थी आजमगढ़। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये घोसी से आजमगढ़ आ रही थी प्राइवेट बस। कैसे हुआ ये? आमने सामने बस लड़ गई है, प्राइवेट और सरकारी दोनों, उसी में इनको चोट लग गई। क्या जी, तबीयत कैसी है? अब ठीक है, सर में चोट लगी है। अंबर सिंह है। कौन सिंह जी आपके? ये हमारे दोस्त है विजय कुमार सिंह जी। अच्छा, कैसे घटना हुई, क्या सूचना मिली? ये तो जा रहे थे गोरखपुर की तरफ, तो पता चला कि जो है कि बघाई डांडपुर के पास 2 बस लड़ गई इनकी जो है। कौन बसें थी? अभी एक सरकारी बस थी, एक प्राइवेट बस थी। लगभग कितने सवार थे? अब बता तो रहे हैं 40 लाख संख्या में थी। अभी कैसी हालत है? अभी तो फिलहाल ठीक स्थिति में है, सर पे इनकी चोट है। गोरखपुर की तरफ ये जा रहे थे सरकारी बस से, रास्ते में जो है वही बघाई डांडपुर के पास जो है बस लड़ गई। संदीप सिंह। कहाँ से आ रहे थे? हम ठेकवा बाजार से आ रहे हैं, गोरखपुर जा रहे थे। कैसी घटना हुई? रास्ते में वो रोडवेज बस थे, दोनों रोडवेज ही थे, अचानक मतलब ये एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 45% थी, और हमारी फैमिली है, 2 बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे का, मेरी बेटी एक दीक्षा सिंह, और बच्चे का नाम सागर प्रताप सिंह, वाइफ रंजना सिंह। अभी कैसे तबीयत है? अभी मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है।